हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से क्लास प्ले टू फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स के लिए अपनी एक न्यू वीडियो के साथ आप सभी के सामने आया हूं, जिसमें बेटा आज हम करने वाले हैं हुक किक। हुक किक बहुत इजी किक होती है, तो आप बहुत अच्छे से किक को देखेंगे और फिर प्रैक्टिकली करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उससे पहले हमेशा की तरह हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। तो वार्म अप एक्सरसाइज में जैसे कि आप फर्स्ट में रनिंग करते हो, तो सेकंड में जंप करते हैं। तो जंप स्टार्टिंग करते हैं, हम अपनी जंप्स करते हैं, 3-4 जंप्स हैं। तो फर्स्ट जंप हम स्लो जंप करते हैं, यहाँ से अब यहीं पे चेंज करते हैं बेटा, साइड जंप, स्टेप, क्रॉस, स्टॉप। अब बेटा ये हमारे जंप हो गए हैं, अब अपर बॉडी नॉर्मल करने के लिए, वार्म अप करने के लिए कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें रोलिंग्स आती है। तो फर्स्ट में हम शोल्डर रोलिंग करेंगे, अब रिवर्स करेंगे। आपको कम से कम 20 राउंड अप आपको ये रोलिंग के करने हैं। आप फुल हैंड रोलिंग करेंगे, अब रिवर्स करेंगे बेटा, अब बैक मूवमेंट करेंगे, हैंड फोल्ड करेंगे, अब हैंड ओपन करके आपको हैंड ओपन कर लेने हैं। अब हैंड ओपन करके बैक मूवमेंट करेंगे, अब लेग आउट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। अब ये हमारी नॉर्मली वार्म अप एक्सरसाइज हो चुकी है बेटा। अब जैसे कि आज हम किकिंग करने वाले हैं, तो किक से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट में अपनी स्ट्रेचिंग को फ्री करने के लिए हम साइड थाई रोलिंग करेंगे, साइड से लेग्स को क्रॉस करते हुए और टेक करते हुए उनको साइड में रखेंगे। तो ये आपको 3-4 राउंड करने हैं, जिसमें आपको 20 के नियर अबाउट आपको रोलिंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास में नॉर्मली 4-5 स्टेपिंग तो होगी ही, तो आप उसको इजीली छोटे से स्पेस में ही कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट में अपनी सेकंड एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग के लिए ही है ये भी आपकी। आप दोनों लेग्स को ओपन कर लेंगे, फुल फ्लोन्स में सिंगल लेग्स पे डाउन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, और सिंगल लेग्स आपका सेकंड लेग्स फ्लैट रहेगा, उस पर लॉक पे हैंड रख के आप अपने उस फुट को, जो आपका लेग्स फ्लैट है, उस फुट को आप बाहर की साइड और अंदर की साइड अप डाउन करेंगे, फिर लेग चेंज करेंगे सेकंड। तो ये एक्सरसाइज भी आपको 10 टाइम करनी है बेटा, सिंगल लेग्स की 5 टाइम आप चेंज करते रहेंगे उसी पोजीशन में। बट आपको ध्यान रखना है, जिस लेग्स पे आप बैलेंस बना के बैठे हुए हो, मींस अभी आप राइट लेग पे बैठे हुए हो, तो राइट लेग्स की हिल एंड फुट, प्रॉपर फुट आपका ग्राउंड पे टच होना चाहिए, हिल्स अप नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी नॉर्मली जो स्ट्रेचिंग्स हैं वो फ्री हो चुकी हैं, मसल्स आपकी नॉर्मल हो चुकी है, तो आप किकिंग करने के लिए रेडी हो। तो बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम करने वाले हैं हुक किक। हुक किक अटैक कहाँ पे होता है? हुक किक आपका बेटा जो आपकी फेस होता है, फेस के डाउन साइड वाला जो पार्ट्स होता है ना, थोड़ी के नीचे, वहाँ पे आपका अटैक होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे करेंगे। नॉर्मली बहुत इजी किकिंग है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट आपको 3-4 पॉइंट्स हैं जिनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप उनका ध्यान रखते हुए किक को
क्लियर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप किक करने से पहले, अटैक करने से पहले अपनी फाइट पोजीशन में जाते हैं, तो फाइट पोजीशन में आप चले जाइए। आपको सबसे पहले फाइट पोजीशन में आना होगा, फिर सेकंड में आपको उसके साथ में पोजीशन के साथ में फुटवर्क रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फुटवर्क है। अब आप सपोज किक करने वाले हैं, तो किक में पहले पॉइंट टू पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, पहले आपको अपनी बॉडी को फ्रंट साइड लाना होगा, जहाँ पे आपका अटैक है उस साइड लाना होगा। जैसे कि सपोज मेरे सामने मेरा अटैक है, तो मैं अपने सामने अटैक करने वाला हूँ, तो वहाँ पे मैंने अपनी बॉडी का मूवमेंट कर दिया है, स्ट्रेट हो गया हूँ। अब आपको नॉर्मली लेग्स अप करना है, जितना भी आप अप कर सको, बेल्ट लेवल से अप रखना है। ओके स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि यदि आप अपने बेल्ट लेवल से अपने लेग्स को फोल्ड करके अप करोगे, तो आपकी उतनी ही किक की रेंज अप साइड जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको अपने फुट को डाउन साइड में खींचते हुए, ये देखो ये मैंने खींचा हुआ है डाउन साइड, ये खींचते हुए आपको अटैक करना है और साइड में राउंड होते हुए किक कर देनी है। ओके स्टूडेंट्स, आप फिर से देखिए, सेकंड एंगल से देखिए, आपको फर्स्ट में सामने आना है, फिर सेकंड में राउंड होना है ऐसे, और थर्ड में किक कर देनी है। नॉर्मली बहुत इजी किकिंग है आपकी, कोई इसमें ज़्यादा वर्कआउट करने की नीड नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से यदि समझ लेंगे तो इजीली हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको अपने लेग्स को, बैक वाले लेग्स को फोल्ड करके राउंड हो जाना है अटैक की तरफ, और नॉर्मली खोल देनी है ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छे से आप इसको कर देंगे। आप बार बार अपने लेग्स चेंज कर सकते हैं, लेग्स चेंज करके आप सेकंड लेग फील कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर आप लेग चेंज कर लेंगे, ये आपको किक करनी है। बहुत अच्छे से आप वीडियो को एंड तक देखेंगे बेटा, और फिर प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आप अटैक नहीं करेंगे, उससे पहले आप पहले अपनी वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, फिर कुछ मेन एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई हुई है, और फिर अटैक। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपने अटैक करके देखिए जो मैंने अभी बताया है, और क्लियर कीजिए। थैंक यू।